बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितने भी मीडिया के दोस्त हैं मैं उनको खुशामदीद कहता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे बुलावे पर यहां पर आए हैं। पहले भी जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने उसको काफ़ी स्पेस दिया है। साथियों, ये जो चुनाव है जम्मू कश्मीर का, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं। जिस तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन हो रही है, जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़ के वोट डालना चाहते हैं, तो ये हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, इंडियन डेमोक्रेसी है, ये उसकी सफलता है, उसकी विजय है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है सफलता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पड़ोसियों की तरफ से, खासतौर पर नाम लेना चाहूँगा पाकिस्तान की ओर से, एक कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ना बनपे, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह है, जिस प्रकार से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी मैं कोकरनाग से आया हूँ और मैंने देखा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आज वहाँ, लास्ट दिन है, तो जैसे पार्टिसिपेशन हो रही है, ये भारत का जो आईन है, हिंदुस्तान का जो आईन है, उसकी जीत। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि बढ़ चढ़ के आप वोट करें। जैसे बताया गया कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी 19 तारीख को श्रीनगर में वो आ रहे हैं। ये चुनाव के सिलसिला में और हमारे पड़ोस में ही जो ग्राउंड है वहाँ वो लोगों से जो है उनको एड्रेस करेंगे। मीडिया के साथियों को मालूम होगा कि पहले वो दो बार, 5 अगस्त 2019 के बाद दो बार जम्मू कश्मीर में आए हैं। एक बार वो मार्च में आए थे और शायद बख्शी स्टेडियम में उन्होंने जो है लोगों को इंटरेक्ट किया था और जिस प्रकार से उन्होंने कम्युनिकेट किया आम लोगों से, कश्मीर की बेटियों से, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके साथ, आम नौजवानों से, तो आज भी कश्मीर के लोग उसको याद करते हैं। फिर वो 21 जून को आए, तब भी उन्होंने काफी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट से उनको जो है उनको लॉन्च किया था, मार्च में भी किया था। इस बार जो पहला ये उनकी रैली होगी, महान रैली होगी, जो कि वो एक पॉलिटिकल जो मुद्दा है उसको लेके आ रहे हैं, चुनावों को लेके आ रहे हैं। ये पहली पॉलिटिकल रैली होगी, तो उन रैलीज में और इस रैलीज में फर्क है, इसलिए मैं ये बताना चाहता था। उसी बात पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन है जम्मू कश्मीर के लिए, खास तौर पर जो कश्मीर के नौजवानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, जहां की माताएं बहनें हैं, तब भी उन्होंने मार्च में जब आए थे तब मैं भी था, तब भी हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने इंटरेक्ट किया। तो ये क्योंकि ये चुनाव के समय में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जोर शोर से ये चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, हमने अपना जो मैनिफेस्टो दिया है वो मैनिफेस्टो, वो जम्मू कश्मीर जो 30 सालों के उग्रवाद के कारण और 76 साल का जो अलगाववाद है, चाहे वो लूज एक्सेशन की बात है, चाहे सब सेपरेटिज्म की बात है, जिसने यहां पर एक अलगाववाद का, सेपरेटिज्म का, तो 370 जिसका मूल था उसने बीज बोया, जिसके कारण 50,000 लाशें यहां पर गिरी। क्यों कि यहां पर जो पहले अलगाववाद के बाद उसने अल्टीमेट उग्रवाद का नाम जो है उसने शक्ल ले ली,
तो यहां सफर कौन किए? आम लोग किए। और मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा नौजवान ने सफर किया। हमारा इतना पोटेंशियल था यहां पर, अभी भी है। यह कश्मीर है। आज मैं कुकरनाथ में गया था, लारबू में गया था, मैं देखा वहां की पहाड़ियां, वहां के जंगल, वहां की जो इतनी खूबसूरत वैलीज हैं, छोटी छोटी वैलीज हैं। मैं कहूंगा कि अगर टूरिस्ट आता है तो कई कई महीने तक वहां वो रह सकता है, लेकिन हमने उसको जो है उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं किया। हमारे पानी की बात है, 20,000 मेगावाट का हमारा पोटेंशियल है, लेकिन आज 76 सालों में सिर्फ 3500 मेगावाट ही हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हमारा जो है लैंड मास इतना ज्यादा है, सोलर एनर्जी जिसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस आ रहा है, और इस मैनिफेस्टो में भी हमने कहा है हर घर का जीरो बिजली का बिल, उसके लिए हम लाएंगे वो सोलर एनर्जी, उसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। तो यहां बहुत बड़ा स्कोप था हॉर्टिकल्चर। मैं देख रहा था अखरोट, वो आज लोग जो है जो किसान लोग हैं अखरोट उतार रहे हैं, और अखरोट यहां से पूरे देश में नहीं बाहर भी उसके जाता है। बादाम है, सेब है, कश्मीरी सेब है, उसको सुन के ही लोग जो है वो खुश हो जाते हैं, अभी कश्मीरी सेब खरीदेंगे। लेकिन क्या हुआ, हम मार्केट जो हमारी घर की मार्केट थी, जम्मू कश्मीर की मार्केट थी, वो भी हम जो है उसको बढ़ा ना सके। तो मैं कहना चाहता था हमारा जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे इस जो संकल्प पत्र है इसमें हमने दिया है। लेकिन मैं आज मुख्यतः दो सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, उस पर ही फोकस करूंगा। देखिए हमारे नौजवान और प्रधानमंत्री जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट जो है उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दे सकता हूं, मैं बेसिकली टीचर हूं, 35 साल से ज्यादा मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी में, मैं वहां से रिटायर हुआ। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बुहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191-255-4360-255-4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।